झाड़ू पोछा कपड़े धोलना भूलना, क्या बोलते सारे खत्म। सबको ब्रेकफास्ट दे दिया, लंच अभी बना दिया, पूजा की सामग्री का धोलना रखना वो भी खत्म, पूजा रूम की साफ सफाई भी खत्म। चलिए फिर, सबका ब्रेकफास्ट भी हो चुका है, लंच भी रेडी है, घर की साफ़ सफाई भी ख़त्म। तो अभी थोड़ा यहाँ पे लाइटनिंग लगाने का काम ही कर लेती हूँ मैं, क्योंकि घर में बाकी कोई ऐसा मेंबर भी नहीं है मेरे को हेल्प करने वाले। भाई भी गांव में है, क्योंकि गांव में घर बन रहा है तो उसके देख रेख के लिए भाई कल रह गया था गाँव में, तो आज वापस आ रहे हैं, क्योंकि कल भाई का फ्लाइट है, वो कल फिर से कलकत्ता चले जाएँगे। और फिर वही ना, तो यहाँ पर ये काम चल रहे हैं मेरी। और ऐसे घर में पूजा होते हैं तो थोड़ा काम ज़्यादा ही रहता है, फिर भी अच्छा ही लगता है ना, ऐसे अच्छा पॉजिटिविटी है ना, पॉजिटिव एनर्जी काम करने लगता है। मतलब एनर्जी कहाँ से आ जाता है, मतलब खुद में ना, ऐसे बॉडी में कैसे एनर्जी आ जाता है पता नहीं चलता, मेरे साथ ऐसा होता है। आज मेरा फर्स्टिंग है, फिर भी मैं बड़े ही चाव के साथ एनर्जेटिक होके अपना पूजा काम काज वगैरह कर पा रही हूँ। हर पूजा में ऐसा ही होता है, और बहुत ही मन को शांति भी मिलती है इस चीज़ से, है ना। तो दी भाई एंड उसके दोस्त नीबी भी आई हुई है, और मैंने ही बुलाया उन दोनों को, कि दी भाई एक्चुअली कल हम लोगों के साथ ही आ गई थी ऐसे गांव से सिटी में, एंड हॉस्टल से होकर उसके जो दोस्त है नीबी को भी ले आए साथ में, और क्योंकि कल उन दोनों का क्लास स्टार्ट हो रहा है और इस वजह से आना हुआ सिटी में। तो फिर क्या है कि मैंने बुला लिया कि चलो घर में होती तो पूजा में रहती, वो घर में अपने घर में भी सारे घर में पूजा होते हैं ना, तो ऐसे मिस करेंगे घर, इस वजह से मैंने कहा कि आ जाओ मेरे घर, यहाँ पर यहाँ भी तो पूजा हो रही है, आके यहाँ नमन कर लेना। तो दीपाई और उसकी दोस्त आ गई, और फिर चालू है मेरी पूजा। अभी पूजा संपन्न हो जाने के बाद मुझे डिनर भी बनानी है, फिर डिनर बनाने के बाद मैं अभी खाना खा लूँगी। और मैंने मेरे लिए लंच में ही बना के रख दी थी मिक्स वेज, क्योंकि फर्स्टिंग मैं पूजा संपन्न हो जाने के बाद फर्स्टिंग तोड़ने वाली हूँ, खाना खाने वाली हूँ, लेकिन मैं आज वेज खाऊँगी, नॉन वेज नहीं खाऊँगी। तो उसी वजह से, लेकिन घर वाले नॉन वेज खाएँगे, तो उसी वजह से नॉन वेज बनाना हुआ घर में, वही सारी चीज़ें रहता है। और फिर यहाँ पूजा लगभग संपन्न हो ही चुका है, तो अभी घर वालों को भी मतलब बोलूँगी कि नमन करें आकर, और उसके बाद सबको मतलब ऐसा ना आरती में जो दिया जलाया जाता है उस आरती से, मतलब ऐसा ना आशीर्वाद स्वरूप उसको दिया जाता है, लिया जाता है आग, क्या बोलते हैं उसको, आरती लिया जाता है, ऐसे ना बोलते हैं, क्या बोलते हैं पता नहीं, वो दूँगी सबको। एंड उसके बाद क्या है, डिनर बनाऊँगी मैं, डिनर और फोटोशूट भी चलेगा ना थोड़ा बहुत, काम ही काम, फ़ोटोशूट भी एक तरीके का काम ही है, ही। पूजा के टाइम में ना ऐसे सज सवर के पूजा में बैठना बहुत ही शुभ भी माना जाता है, मुझे अच्छा भी लगता है इसलिए। वैसे तो मैं घर से भी निकलती हूँ तो लिपस्टिक लगाती भी नहीं, लेकिन पूजा के टाइम में ना मैं ऐसे 16 श्रृंगार करके पूजा पे बैठती हूँ, बहुत ही अच्छा लगता है। एंड आप सब भी ऐसे ही कीजिएगा, देखिएगा आप सबको भी अच्छा ही लगेगा, है ना। तो कोई ना, ऐसे मान्यता भी है कि सुहागन महिलाओं को ऐसे सज सवर के पूजा में बैठना चाहिए, शुभ ऐसा शुभ माना जाता है। तो वो लोगों की मान्यता पे डिपेंड करता है, आप क्या मानना चाहते हो क्या नहीं मानना चाहते हो। एंड वैसे तो सच्चे मन से किया गया पूजा भगवान ग्रहण करते ही है, ऐसा कोई नहीं है कि आप 16 श्रृंगार करके पूजा करो या ना भी करो, है ना।